नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर आयोजित सेमिकॉन इंडिया के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करने के बाद बोले पीएम मोदी, भारत किसी को भी निराश नहीं करता है। अमित शाह तमिलनाडु पहुंचे, मेरा देश मेरे लोग पद यात्रा का किया शुभारंभ। दिल्ली के मालवीय नगर में कॉलेज के बाहर लड़की पर रॉड से हमला। विपक्ष के विरोध के बीच भारतीय प्रबंधक संस्थान संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में चर्चा कब होगी, ये सोमवार को तय होगा। गोपालगंज में तार की चपेट में आया ताजिया का जुलूस, 11 लोग झुलसे। इंडिया गठबंधन के नेता कल सुबह 9 बजे जाएंगे मणिपुर। इंडिया की अगली बैठक 25-26 अगस्त को मुंबई में संभव। डीजीसीए ने इंडिगो पर 30 लाख का जुर्माना लगाया। मणिपुर हिंसा में जंतर मंदिर पर कुकी समुदाय का प्रदर्शन जारी कर रहे अलग प्रशासन की मांग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, एलओसी के पास भारी मात्रा में हेरोइन बरामद। बेगूसराय रेप केस में मुख्य आरोपी गुड्डू सिंह और 5 अन्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उडुपी वीडियो मामले में सीएम सिद्धारमैया के परिवार के खिलाफ ट्वीट करने पर बीजेपी वर्कर के खिलाफ एफआईआर। केरल में सोशल मीडिया पर महिला पत्रकार का यौन शोषण करने का आरोप, पूर्व जज के खिलाफ हुआ केस दर्ज। बिहार के कटिहार गोलीकांड मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं, जांच रिपोर्ट के इंतजार में पुलिस। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।